वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों अभी मैं हूँ रायपुर में और रायपुर के भी छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध म्यूजिक स्टूडियो अभिषेक मूवीज वर्ल्ड में हूँ और यहाँ का आप लोगों को मैं ब्लॉग वीडियो दिखाऊंगा कैसे और किस तरीके से म्यूजिक स्टूडियो का बिल्डिंग कहाँ पर है, म्यूजिक स्टूडियो आप लोगों को बताऊँगा और यहाँ का क्या क्या खासियत इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। आप लोग गाना तो सुने होंगे, बहुत सारा इससे गाना रिकॉर्डिंग हो चुका है अभिषेक मूवीज वर्ल्ड। हम तो चलिए दोस्तों यहाँ का आप लोग ब्लॉग वीडियो दिखाऊंगा, ठीक है ना, यहाँ का क्या क्या फैसिलिटी कैसे किस तरीके से है स्टूडियो वगैरह। तो दोस्तों अभी मैं खड़ा हूँ अभिषेक मूवीज वर्ल्ड के सामने, तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो दोस्तों अभिषेक मूवीज स्टूडियो, तो दोस्तों चलिए मैं आप लोगों को और रियल कैमरा में यहाँ का दृश्य दिखाता हूँ, वो जो दिख रहा है ना बड़ा वाला गेट। तो दोस्तों ये है अभिषेक मूवीज डिजिटल स्टूडियो का बिल्डिंग, आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा है, वो है मेन गेट। चलिए अंदर घुसते हैं हम लोग, ठीक है ना। ये है यार बहुत बड़ा, पहली बार देख रहा हूँ इतना बड़ा म्यूजिक स्टूडियो अभिषेक मूवीज, ठीक है ना। ये जो एरिया बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है आप देख सकते हो, ये गेट है सामने का, ठीक है ना। और दोस्तों ये है अभिषेक मूवीज का लोगो चिपके सामने में देख सकते हो, ठीक है ना, यहाँ पर इस तरीके से। और एक कॉलोनी टाइप में है ना दूर तक अभिषेक मूवीज़ का एरिया वगैरह यहाँ का। और ये है, और यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है आप पढ़ सकते हो, अभिषेक मूवीज़ वर्ल्ड एडिटिंग रूम, ठीक है, ऊपर में होगा एडिटिंग रूम। तो चलिए मैं आप लोगों को वॉइस रूम में ले जाता हूँ, यहाँ पर लिखा है अभिषेक मूवीज़ का वर्ल्ड, ठीक है ना। तो चलिए अंदर घुसते हैं। ये है अंदर का दृश्य, काफ़ी बेटर है यहाँ का दृश्य, आप देख सकते हैं। ये प्ले बटन है, बहुत ही अच्छा है यार प्ले बटन, मेरा भी ड्रीम प्ले बटन मिल जाए, देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। ये है फैसिलिटी यहाँ का, और ये सारा जो यूट्यूब में वीडियो वगैरह डाला है उसका यहाँ पर पोस्टर भी चिपका है, कौन कौन गाना कितना ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। तो दोस्तों ये है बहुत ही बड़ा स्टूडियो है आप, और छत्तीसगढ़ का टी सीरीज भी कहते हैं स्टूडियो को, ठीक है। यहाँ पर है जो स्टूडियो, यहाँ पर मिक्सिंग वगैरह होता है, ठीक है ना। तो चलिए मैं आप लोगों को और अच्छी तरीके से ऊपर और दिखाता हूँ छत ऊपर क्या क्या खासियत है, यहाँ रुकने वगैरह का, रुकने का भी व्यवस्था है यहाँ पर, ठीक है ना। तो चलिए मैं आप लोगों को ऊपर जाकर और दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये है एडिटिंग रूम, तो चलिए हम एडिटिंग रूम में चलते हैं। बहुत ही बड़ा है यार एरिया, मतलब कह सकते हो आप, बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है। ये ऊपर का दृश्य है, बहुत ही बेटर अच्छी तरीके से है, ठीक है ना, यहाँ का दृश्य। और यहाँ पर सोने वाने का भी व्यवस्था है, जैसे बाहर के कोई लोग आते हैं सिंगर वगैरह तो यहाँ पर सो भी सकते हैं, सब कुछ का व्यवस्था है भाई, आप लोग सब कुछ व्यवस्था मिलेगा, ठीक है ना। और ये अपना एडिटिंग रूम है, बहुत ही बड़ा है यार म्यूजिक स्टूडियो, इतना बड़ा म्यूजिक स्टूडियो मैं देखा नहीं। चलिए अंदर घुसते हैं। ये है पूरी तरीके से आप देख सकते हैं, अभी कोई नहीं है, वर्कर वगैरह कोई नहीं आया, तो अभी शांत है। तो दोस्तों मैं वहाँ से आया हूँ और अभी मैं हूँ सेकेंड फ्लोर। दोस्तों इस तरीके से दिखता है बाहर से देखोगे तो अभिषेक मूवीज वर्ल्ड डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो, ठीक है ना। बहुत ही बड़ा है यार अपार्टमेंट, बहुत ही बड़ा है अपार्टमेंट, आप लोग देखे भी होंगे, ठीक है ना। ये है इस तरीके से दिखता है यहाँ का क्लाइमेट, और ये है गली यहाँ का, और इस तरीके अभी गली है मेन में है, बहुत ही ज़बरदस्त है अभिषेक मूवीज वर्ल्ड रिकॉर्डिंग वगैरह दिखाया है, ठीक है ना, आप देख सकते हो। तो दोस्तों अब हम लोग जा रहे हैं घर अपना और फाइनली, और यहाँ का ब्लॉग आप लोग कैसा लगा आप कमेंट करके हमें बता सकते हो, ठीक है ना। और दोस्तों इस वीडियो को हिंदी में बनाने के मेरा एक मुख्य पर्पस यह है कि इस स्टूडियो के बारे में बाहर के लोग भी जाने, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ से बाहर के लोग भी जाने, इस वजह से यार इस वीडियो को हिंदी में बनाया हूँ, तो ज़्यादा मतलब मेरा मत मानना है।